गोलकुंडा जिला बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुनान ने आज जिला सदर पांडु यादव और प्रदेश महिला मोर्चा गीता मूर्ति की क्यादत में गोशा महल पेट्रोल पंप के रूबरू टीआरएस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया और डीजल व पेट्रोल के वैट को कम न करने पर नाराजगी जताई। एहतजाजी कारकुनान का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से वैट कम किया गया, दीगर रियासतों ने भी वैट में कमी लाई, ताहम हुकूमत तेलंगाना ने पेट्रोल व डीजल पर वैट नहीं घटाया। एहतजाजियों का कहना है कि कोरोना के सबब पहले ही रियासत की आवाम परेशान है। बीजेपी महिला मोर्चा कारकुनान ने हुकूमत की खामोशी पर कहा है कि अगर हुकूमत ने वैट में कमी न लाई तो रियासत भर में एहतजाज करेंगे। मीडिया से बात करते हुए महिला मोर्चा प्रेसिडेंट अनिता पारकर ने हुकूमत तेलंगाना पर नुक्ताचीनी की। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज गोलकुंडा जिला महिला मोर्चा की तरफ से जिला अध्यक्ष श्री पांडु यादव जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता मूर्ति जी के नेतृत्व में ये धरना रखा गया है जो कि गोशा महल पेट्रोल पंप के पास है। यह धरना इसलिए रखा गया है क्योंकि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी वैट कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारा प्रदेश सरकार, हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में कोई भी विचार नहीं किया है। आप खुद देखिए, जब हुजूराबाद के इलेक्शन हुए थे और हमारी सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे, तब उन्होंने हर कार्यकर्ता ने यही हल्ला किया कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए और वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जनता को पता है कि जनता के बारे में सही गलत का फैसला कौन कर रहा है और जनता का भला कौन चाहता है। उसके बावजूद भी आज जब जनता परेशान है, क्योंकि आम नागरिक को ही परेशानी होती है छोटी छोटी चीज़ों से, आज जब पेट्रोल का दाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, उसके बावजूद भी केंद्रीय सरकार नहीं कर रही है। 22 दूसरे राज्यों ने तक उस पर फैसला सुना दिया है, पर अभी तक तेलंगाना सरकार ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ये पेट्रोल के दामों की वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से खाद्य सामग्री के भी दामों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और भी ऐसे कई चीज़ें हैं। सब चीज़ों का रेट बढ़ गया है, गैस का, ऑटो का, हर चीज़ का बढ़ गया है, जिससे कि हम महिलाओं को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास रहते हैं उनका बजट एक लिमिटेड रहता है। अगर ऐसी ऐसी छोटी छोटी महंगाई उनके सामने आती जाएगी तो उनका पूरा बजट डगमगा जाएगा और उन्हें इस महंगाई का सामना करना मुश्किल हो जाएगा।